2020 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बना करके। अब यहाँ राज्य बन गया है, लेकिन राज्य में क्या होता है कि झारखंड में जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया, उसका प्रत्येक क्षेत्र में पहला अधिकार बनता है। अभी भी राज्यसभा में जिसको भेजते हैं तो देखते हैं कहाँ से कौन आता है और चला जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी लोग को राज्यसभा में भेजिए, जो उसका पहला अधिकार बनता है। तो यहाँ त्याग करने वाले, संघर्ष करने वाले, कुर्बानी देने वाले लोग को हमेशा दरकिनार किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसा माहौल में आप लोग के माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को कहना चाहते हैं कि जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया है, उनका पहला अधिकार बनता है। तो आप लोग भी अपना नैतिकता को जगाइए और उसके बाद यहाँ के लोगों को राज्यसभा में भेजिए। और हम लोग आंदोलनकारी के संदर्भ में भी पिछला 20 मार्च को हम लोग का बैठक भी हुआ था अधिकारियों के साथ में भी, और हम लोग मुख्यमंत्री से भी विनम्र बार बार अपील करते हैं कि आंदोलनकारियों का एक तय सीमा के अंदर में चयन करिए, और चयन करने के बाद में जो सम्मान भी करना है तो सम्मानजनक तरीके से सबको सम्मान दीजिए। आगे चुनाव में भी हम लोग आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा हम तमाम राजनीतिक दलों से अपील करना चाहते हैं कि राज्यसभा में हम लोग का किसी आंदोलनकारी को चयन करके भेजिए, क्योंकि 22 साल में किसी आंदोलनकारी को आज तक आप लोग नहीं भेजे हैं। और हम लोग के बीच में भी ये बात होता है कि आंदोलनकारियों को बात नहीं होता है तो आप लोग आंदोलनकारी भी तो नहीं बोलते हैं। इसीलिए आज हम लोग का मौका है कि आज हम लोग कहते हैं कि दोनों दल के लोग आंदोलनकारी का चयन करके भेजिए। झारखंड में राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो काफ़ी विवादित रहे और ख़ास करके वो खरीद फरोख्त का खेल जो है वो अंधाधुंध जारी रहा, और जो भी लोग जीते, जो भी राज्यसभा से चुन करके चले गए, ये बड़े ही सट्टेबाज एक बड़ी पूंजी का खेल हुआ। और यही है कि करप्शन दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता गया, और जो झारखंडी जनता की जो मूल भावना है कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रोजगार से लेकर के विकास से लेकर के तमाम जल जंगल जमीन पे उसका अधिकार का सवाल, ये सारे सवाल वो हाशिए में चले गए। इसीलिए आज हम लोगों ने ज़रूरत महसूस किया है कि झारखंड आंदोलन में जो शख्स शामिल थे, आंदोलनकारी जो रहे हैं, उसको ये राज्यसभा का वो जो सदस्यता है उम्मीदवार के रूप में, वो राजनीतिक दल अपना वो उम्मीदवार के रूप में उतारें, ये हम लोगों का पहला मामला है। क्योंकि राज्य के लिए जिन्होंने खून पसीना बहाया है, लाठी खाए हैं, पूरा जो है ना आंदोलनों में शरीक हुए हैं, तो एक एक झारखंडी जनता के भावनाओं से वो अवगत हैं। तो इसीलिए ये झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ हम इस बात को उठा रहे हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों के बीच से जो उभरे लीडर हैं या जो अभी आंदोलन में हैं, या ऐसे ही लोगों को आप उम्मीदवार में लाएं सामने, तो ये राजनीतिक दलों से हमारा डिमांड है। दूसरी बात हम लोगों का कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस झारखंड के लिए नहीं लड़ा, जो झारखंड का नक्शा देख रहे हैं कहीं 99 वो ये लाख पकड़ा रहा है, कहीं पर 19 करोड़ से ज़्यादा रुपये वो पकड़े जा रहे हैं, वो उसका नहीं है। वो पैसा झारखंड की जनता का है, जो टैक्स और तमाम चोर दरवाजों से निजी मिल्कियत के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग इस बार जो ये कर रहे हैं कि 9 जून से एक बेहतर, एक खुशहाल और बिरसा के सपनों का झारखंड की दिशा में हम आंदोलन को और तीखा और धारदार बनाएंगे, ये आज के प्रेस वार्ता में हम लोग इस बात का भी ऐलान करते हैं। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं ये जो पूरा झारखंड को लूट खंड में ये तब्दील करने की जो तैयारी चल रहा है वो बंद करें। नेता हो, पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, चाहे बिचौलिया और दलाल हो, ये सभी लोगों के लिए ये सत्य चेतावनी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोग दे रहे हैं। जरूरत पड़ा तो सीधी कार्रवाई करते हुए ये रुपया जब्त करके जनता का पैसा, वो जो पल्स अस्पताल जो है सीधे सरकारी अस्पताल के रूप में कन्वर्ट करके आम जनता को वहाँ स्वास्थ्य सुविधा की यानी गारंटी करे। तो इस बात पर जोर देने के लिए ये आंदोलनकारियों का गुस्सा है, ये प्रेस वार्ता नहीं, हमारी आकांक्षा है कि राजनीतिक दल हमारी भावना को समझे और राज्यसभा में उम्मीदवार बनाए। कहना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलनकारी रहेगा तो एक उनके जाने से एक माय माटी का बोध होता है कि झारखंडी मूल आदमी गया है। जैसे जयपाल सिंह मुंडा थे, आपका विधानसभा के सदस्य थे, तो लगता था एक आवाज़ झारखंडी आवाज़ जाता था। उसी तरह शिबू सोरेन का प्रेजेंट होना ही एक आवाज़ है। उसी तरह से रामदयाल मुंडा थे, ग्रीन कार्ड होल्डर थे, राज्यसभा के सदस्य थे, उनका होना ही एक उपस्थिति थी। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में, यहाँ दयामणि बारला जी है, एक पढ़े लिखे ट्राइबल लेडी जो झारखंड मुद्दे के लेकर लगातार लड़ते रहे हैं। उसी तरह से भुवनेश्वर महतो हैं, जो आपका गोवा गोलीकांड के झारखंड आंदोलनकारी हैं। बहादुर राम है, ऐसे कई हस्ती हैं जो लोग 46 अवार्डेड लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो लोग हैं। कितने यहाँ कलाकार हैं, क्षितिज कुमार राय जैसे कलाकार, वो लोग सब उपेक्षित है। ऐसे लोगों को सम्मान दे दिया जाना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं बार बार आपके माध्यम से,
यहाँ प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे राजू जी भी देखिए, राजू मातो जी झारखंड आंदोलन के भूमिपुत्र आदमी, लगातार झारखंड के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ढूंढिए तो 1 से 21 लोग मिलेंगे। हमारे गृह विभाग में टकवा, यहाँ जी टकवा साहब थे, मोहम्मद तकवा जी, जिन्होंने गृह विभाग में झारखंड की आवाज़ को नगाड़ा लेके पीटने का काम किया। वैसे लोग आज उपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं, उनको सम्मान आप कब दीजिएगा। हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। 1 से 1 लोगों का फहरिस्त है जो आपको निकल जाएगा कि प्रतिभावान लोगों की कोई कमी नहीं है, उनके संख्या में कोई कमी नहीं है। हम ऐसे लोगों को आपके माध्यम से चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले। और जो करप्शन का लिए सिर्फ सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ प्रशासन के लोग भी हैं, मुख्य सचिव को एक इस पर अंकुश लगाना चाहिए कि जो पदाधिकारी जो सचिव उनके अंदर में भी आते हैं, वो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो मुख्य सचिव उसको देखे, बराबर देखे।